नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के 43 जो मुद्दों पर कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और उस मीटिंग में ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन, ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली, एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, न्यूनतम वेतन तथा फिटमेंट फैक्टर पर क्या हुआ, जानिए डिटेल से। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देखा, नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई एनजेसीए के साथ में 13 अप्रैल 2019 को, उसका ये पूरा फीडबैक नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेसीएम के जो सारे मेंबर्स के साथ शेयर किया है सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने, और इस फीडबैक में विस्तार से बताया गया है कि ये मीटिंग 11:30 पर शुरू हुई थी और 2:30 पर खत्म हुई, और इस मीटिंग में 43 जो मुद्दे थे उनमें से टोटल 18 मुद्दों को अटेंड किया गया। तो दोस्तों, इन मुद्दों पर डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 28 मार्च 2019 को एनजेसीए द्वारा एक देशव्यापी बहुत बड़े स्तर पर धरने का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए तमाम कर्मचारियों की यूनियनों ने कमर कस रखी थी, जिसके चलते सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई थी। धरना प्रदर्शन की वजह सभी जानते हो, कहीं पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा था तो कहीं वन रैंक वन पेंशन का, कहीं एमएसपी का मुद्दा था तो कहीं पर न्यूनतम वेतन तथा फिटमेंट फैक्टर का, और केंद्रीय तथा राज्य कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया था। दोस्तों, कर्मचारियों के बढ़ते हुए रोष तथा देशव्यापी आंदोलन को देखते हुए एनजेसीए के साथ सरकार ने नेशनल काउंसिल की मीटिंग की घोषणा कर दी 13 अप्रैल 2019 के लिए, वो भी दोस्तों पूरे 9 साल के बाद, जबकि पिछले 9 साल से नेशनल काउंसिल की एनजेसीए के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, और उसी के परिणाम स्वरूप महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने 28 मार्च को होने वाले देशव्यापी धरना को स्थगित कर दिया। और दोस्तों, मुद्दा ये है कि जब नेशनल काउंसिल की मीटिंग के एजेंडे में जो 43 मुद्दे हैं उनमें ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली, ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन, एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, मिनिमम वेतन और फिटमेंट फैक्टर शामिल ही नहीं है, तो फिर कर्मचारियों के धरना को स्थगित करवाने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, 9 वर्षों से एनजेसीए के साथ नेशनल काउंसिल की जब कोई मीटिंग ही नहीं हुई, और अब जो उसमें मीटिंग हुई उसमें कर्मचारियों की प्रमुख मांगे शामिल ही नहीं थी, तो फिर कर्मचारियों के इस देशव्यापी धरना प्रदर्शन को रोकने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं घर का भेदी लंका ढाबे वाली बात तो नहीं? वैसे आप सब समझदार हो, अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी सहमति जरूर दें। और जो 43 मुद्दे थे उनमें से सिर्फ 18 मुद्दों पर चर्चा हुई, जो इस तरीके से हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से इनको आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, जिन प्रमुख मुद्दों पर केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का संघर्ष चल रहा है वो मुद्दे तो इन 43 मुद्दों में शामिल ही नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।